I hope you all are very fine and feeling safe in your home. As you know that we have completed the reading of chapter number 2, that is reproduction in living things, and today we have to do its exercise, which is given on the page 26. So we start the exercise of this chapter with answer the following questions. So number one, A part, what is reproduction? So it's so A part, what is reproduction? Its answer is bringing new living things of one's own kind into this world is called reproduction. So इसका मतलब ये है कि new living things जब reproduce होते हैं from their parents and into this world, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो यानी एक पेरेंट्स है और उनकी वजह से जब न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, न्यू काइंड ऑफस्प्रिंग, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. नंबर बी क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. इट मीन्स दैट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस the butterfly will be passed in its life cycle. The life cycle of a butterfly has the 4 stages. The female lays eggs, means the number one process of the life cycle of a butterfly is that the female is laying egg, and then this egg will hatches into a caterpillar. The caterpillar produces a fine thread and forms a shell called a cocoon around its body. Inside the cocoon, the insect becomes a pupa, and then a complete butterfly forms inside that pupa. Finally, pupa splits and the newly formed butterfly emerges from it. So this is the whole complete life cycle of a butterfly. So this mein female ne sabse pehle eggs lay karne hain, aur us egg ne hatch karke hume caterpillar dena hai. कैटरपिलर ने एक फाइन थ्रेड, एक शेल बनाना है, कवर बनाना है अपने सराउंडिंग में, और उसको कहते हैं कोकोन. और कोकोन के अंदर जो है इंसेक्ट, वो प्यूपा की फॉर्म में हमें मिलेगा, एंड आफ्टर द बटरफ्लाई विल फॉर्म्स इनसाइड दैट प्यूपा. द प्यूपा स्प्लिट्स, दैट विल स्प्लिट, दैट विल ब्रेक डाउन, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ दैट प्यूपा द बटरफ्लाई विल कम्स आउट फ्रॉम इट. नंबर two is a cockroach, the life cycle of a cockroach. So जो life cycle cockroach का होता है उसकी तीन stages होती हैं. Female lays eggs, number one, जो female है वो eggs lay करेगी, and then a tiny nymph hatches from the each egg. Tiny nymph जो है वो निकलेगा हर egg से, और nymph grow to form a complete insect. And that nymph जो कि egg से निकलेगा वो क्या बनाएगा, वो एक complete insect बना देगा, that is a cockroach. Number third is a frog. The life cycle of the frog is also in the same way, कि जो फीमेल फ्रॉग होगी वो एग्स को ले करेगी, और उसकी वजह से अ टाइनी टैड बोल कम्स आउट ऑफ ईच एग. सो इन द फ्रॉग द फ्रॉम द एग वी गॉट अ टाइनी टैड बॉल, एंड देन द टैड बॉल ग्रोज टू फॉर्म अ कम्प्लीट फ्रॉग. और उसके बाद जो टैड बॉल है उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी वजह से हमें एक कम्प्लीट फ्रॉग मिलेगा. Now, number C part is name three animals that lay eggs. So इसमें हमने तीन animals के नाम बताने हैं जो कि eggs lay करते हैं. So उसका answer ये है, number one fish, number two frog, और number three is a bird. So these three are the animals which lay eggs. Number D part, how does a stickleback fish लुक आफ्टर इट्स फ्राई. कि जो स्टिकल बैक फिश होती है वो किस तरह से अपने फ्राई को लुक आफ्टर करती है. सो इट्स आंसर इज द फीमेल स्टिकल बैक फिश
lays eggs in a nest. So first जो फीमेल स्टिकल बैग फिश है वो एग्स ले करेगी अपने नेस्ट में, और उसके बाद द मेल फिश लुक्स आफ्टर द एग्स फॉर टेन डेज. उसके बाद क्या होगा कि जो मेल फिश है वो उसकी लुक आफ्टर करेगा और 10 दिन तक. वेन देन द फ्राई हैच दे आर केप्ट इन द नेस्ट फॉर अ मंथ. और उसके बाद क्या होगा कि जब उस उन एग्स में से फ्राई हैच आउट करेगा निकलेगा, सो उसको नेस्ट में रखेंगे एक पूरे महीने के लिए. देन दे लीव द नेस्ट एंड बिगन टू फीड themselves. और उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो फ्राई हैच करते हैं उनको एक महीने रखने के बाद नेस्ट में, उनको वो नेस्ट से वो लीव कर जाते हैं और उसके बाद वो फीड करते हैं themselves. ई पार्ट, वाई डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस. कि जो बर्ड्स हैं वो क्यों लुक आफ्टर करते हैं देयर यंग वंस, यानी जो उनके स्मॉल यंग वंस होते हैं उनको क्यों लुक आफ्टर करते हैं. द आंसर इज बेबी बर्ड्स आर कवर्ड विद स्मॉल फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड. सो जो बेबी बर्ड्स हैं उनको कवर होते हैं, उनके ऊपर एक कवर होता है स्मॉल फेदर्स का, और उनकी जो आईज होती हैं दे आर क्लोज्ड, वो बंद होती हैं. देयरफॉर इसलिए देयर पेरेंट्स हैव टू लुक आफ्टर देम until they become strong enough to fly. तो इसलिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको देखना पड़ता है, वो लुक आफ्टर करना पड़ता है जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाते फ्लाई करने के लिए. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि बेबी बर्ड्स कवर्ड विद स्मॉल फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज, सो देयरफॉर देयर पेरेंट्स हैव टू लुक आफ्टर देम until they become strong enough to fly. Next is part F. What is a mammal? Mammal kya hai? Answer: A mammal is an animal. Mammal ek animal hai that give birth to babies. Jo ke babies ko birth deta hai. It feeds its babies on the mother's milk. Aur ye apne babies ko feed karta hai मदर्स मिल्क के ऊपर. तो ये दो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी मैमल को कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं. एक कि वो दे गिव बर्थ टू द बेबीज ओनली एंड दे विल फीड देयर बेबीज ऑन देयर मदर्स मिल्क. ये तो हो गई है. नाउ नंबर जी पार्ट इज व्हाई आर फ्लावर्स इम्पॉर्टेंट फॉर आ प्लांट. जो फ्लावर्स होते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए. उसका आंसर है फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. जो फ्लावर्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए बिकॉज उनसे एक तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स को, और दूसरी चीज़ सीड्स को फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स, और जिससे क्या होता है कि न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं. सो इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो किसी भी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. नंबर एच पार्ट, वट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेपल्स एंड पेटल्स. के सेपल्स का और पेटल्स का क्या फंक्शन होता है.
इट्स आंसर सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स, के सेपल्स होते हैं वो फ्लावर के सराउंडिंग में होते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सेव करते हैं उसके ओपन होने से पहले. पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पोलिनेशन, ये पोलिनेशन जो एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, पेटल्स जो हैं उनके डिफरेंट कलर्स की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो उस वजह से पॉसिबल होता है. नेक्स्ट आई पार्ट डिस्क्राइब अ स्टेमन, कि स्टेमन क्या है उसको हमने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है. सो इट्स आंसर अ स्टेमन हैज़ अ स्टॉक. स्टेमन जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके पास एक स्टॉक है, ठीक है, और एट द टिप ऑफ द स्टॉक, उस स्टॉक की बिल्कुल टिप या टॉप के ऊपर देयर इज़ एन एंथर, वहाँ पे एक एंथर एक स्वेलो पोर्शन होता है विच कंटेन्स पोलन, जिसके अंदर जो है वो पोलन्स प्रेजेंट होते हैं. नंबर जे पार्ट नेम द पार्ट्स ऑफ अ कार्पल, के कार्पल के जो पार्ट्स हैं उसके नेम्स हमें बताने हैं. आंसर द पार्ट्स ऑफ अ कार्पल आर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, के कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज़ अ स्टिग्मा, नंबर टू इज स्टाइल एंड नंबर थ्री इज़ ओवरी. नेक्स्ट इज के व्हाट इज पोलिनेशन, कि पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है. इट्स व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा वी कॉल्ड इट पोलिनेशन. सो पोलिनेशन इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच द फ्लावर कंटेन्स द पोलन, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड वी कॉल्ड इट एज अ पोलिनेशन. Now the L part is what is fertilization, कि fertilization क्या होती है. उसका answer है the joining of the male and the female cells is called fertilization, के जो आपके पास male और female cells होते हैं जब वो आपस में join करते हैं उस process को हम fertilization कहते हैं. M part which part of the flower makes the seeds and fruits, यानी जो आपके पास फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें सीड देगा और फ्रूट्स देगा. उसका आंसर है द ओवरी ऑफ द फ्लावर मेक्स द फ्रूट एंड द सीड्स, के ओवरी जो है आपके पास एक फ्लावर का पार्ट है जो कि हमें फ्रूट देगा और उसके साथ साथ हमें सीड्स भी देगा. The end part, how are seeds and fruits scattered? कि जो scattered का मतलब है कि वो कैसे अपनी जो है वो place से distant places पे कैसे move करते हैं, कैसे बिखर जाते हैं. इसका answer, seeds are scattered by the wind, by water and animals. यानी तीन तरह के ऐसे kinds हैं जिसकी वजह से आपके पास seeds और fruits स्कैटर्ड होते हैं. नंबर वन दैट इज़ विंड, नंबर टू इज़ वाटर एंड नंबर थ्री इज़ द एनिमल्स. सम फ्रूट्स बस्ट ओपन एंड स्कैटर देयर सीड्स, के कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बस्ट ओपन करते हैं. बस्ट ओपन मीन्स कि वो वहाँ से राइप हो जाते हैं और उनकी राइपनेस की वजह से जो फ्रूट्स और राइपनेस की वजह से वो अपने सीड्स को हवा में और दूसरी जगह पर स्कैटर कर देते हैं. सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो. सी यू विद अनदर लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स.